प्रभास की कल की 2898 का नया ट्रेलर आ चुका है, जिसमें पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा चीजें दिखती हैं। नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मगर दीपिका पादुकोण प्रभास अमिताभ बच्चन से सजे इस ट्रेलर में सारा अटेंशन कमल हासन उड़ा ले गए। ट्रेलर की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन के किरदार अश्वत्थामा के साथ, जो दीपिका पादुकोण के किरदार और उसके बच्चे को बचाने की बात कहते दिखते हैं। इधर अश्वत्थामा जहां आने वाले बच्चे को बचाना चाहते हैं, उधर प्रभास यानी भैरवा और उसकी पूरी टीम दीपिका को मारना चाहती है ताकि भविष्य में कोई भगवान ही पैदा ना हो। इस पूरे झोलझाल के बीच में मेकर्स ने कुछ छुटपुट ह्यूमर डालने की कोशिश करी है। अमिताभ बच्चन प्रभास के कुछ एक्शन सीन्स हैं, कुछ कुछ सीन्स आपको किसी ना किसी फिल्म या फिर सीरीज की याद दिलाते हैं। जैसे कई सारे हिस्सों को देखकर आपको लगेगा कि आप Amazon Prime Video की रिंग्स ऑफ पावर को देख रहे हैं, फिर कुछ हिस्सों में ड्यून और बाहुबली तक की झलक मिलती है। ओवरऑल इस ट्रेलर में दो चीजें सबसे ज्यादा अटेंशन खींचती हैं, एक तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और दूसरा कमल हासन का डेडली लुक। संतोष नारायण का BGM पूरे ट्रेलर में हाई बनाकर रखता है। उन्होंने गाने के लिए एक भैरवा एंथम बनाया है, जिसे प्रभास के किरदार की एंट्री पर बजाया जाएगा। वहीं कमल हासन हवा में बैठे किसी अजीब से शख्स की तरह दिखते हैं, जिनका सिर कटा हुआ है। मुश्किल से 10 सेकंड के इस ट्रेलर में दिखाए गए हसन के किरदार सुप्रीम यास्किन ने पूरी महफिल लूट ली। कमेंट बॉक्स में लोग सिर्फ और सिर्फ कमल के लुक की ही चर्चा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, कमल हासन खतरनाक विलन लग रहे हैं, मुझे तो अभी से गजब फीलिंग आ रही है। एक बंदे ने लिखा है, कमल हासन का लुक बहुत ज्यादा ही डरावना है, मेरे तो रोए खड़े हो गए। ट्रेलर के लास्ट में प्रभास की रोबोटिक गाड़ी बुजी एक रोबोट में तब्दील हो जाती है। इस सीन में प्रभास कहते हैं, मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा, इस बार मैं तैयारी करके आया हूँ। इस लाइन को प्रभास के करियर की पिछली कुछ फिल्मों से जोड़ा जा रहा है। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दें तो प्रभास की पिछली कुछ फिल्में राधे श्याम आदि पुरुष ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, इसीलिए प्रभास और उनके फैंस को कल्की से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बीते दिनों कल्की के प्री रिलीज इवेंट में डायरेक्टर नागाश्मी ने बताया था कि कल्की की ये दुनिया तीन भागों में बटी हुई है, काशी, कॉम्प्लेक्स और शंबला। नाग ने आगे कहा, गंगा सूख चुकी है और लोग परेशान हैं। मेगा सिटी कॉम्प्लेक्स में सारे स्रोत हैं। काशी के लोग उस कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देखते हैं, मगर ये एक जाल है। शंबला और शांग्रीला एक रहस्यमय दुनिया है जहां शरणार्थी और विद्रोही रहते हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ लड़ते हैं। नागाश्विन ने इस फिल्म को बनाने के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। अब ये फिल्म कैसी होगी, लोग इसे कितना पसंद करेंगे, ये 27 जून को ही पता चलेगा, जब कल्की सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कल्की के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को आपके लिए लिखा है मेरी साथी मेघना ने, मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।